जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है, साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। गैंगस्टर विकास दुबे 10 जुलाई को कथित पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 20 जुलाई को सीजेआई एसए बोबड़े ने यूपी सरकार पर तीखी टिप्पणी की। साथ ही विकास दुबे की जमानत से जुड़े अलग अलग मामलों में निचली अदालतों के फैसले की जानकारी यूपी सरकार से मांग ली। सीजेआई ने कहा कि ये चौंकाने वाली बात है कि इतने सारे मामलों में वांछित होने के बावजूद वो जमानत पर था। हमें सभी आदेशों की रिपोर्ट दीजिए। ये सिस्टम की असफलता दिखाता है। ये सिर्फ एक घटना का सवाल नहीं है, पूरा सिस्टम दांव पर है। कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि विकास दुबे की मौत के मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और एक रिटायर्ड पुलिस अफसर को शामिल किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि सरकार को चाहिए वो सुनिश्चित करे कि रूल ऑफ लॉ लागू हो रहा है। इसके लिए गिरफ्तारी, सुनवाई और फिर सजा की प्रक्रिया का पालन होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 20 जुलाई को ही जारी हुई। इसके मुताबिक विकास दुबे को 6 गोलियां लगी थीं। इनमें से 3 उसके शरीर के आर पार निकल गईं। अब इसके अलावा उसके शरीर पर भागने और गिरने की वजह से लगी चोटों के निशान भी पाए गए हैं। बताया गया कि गोली लगने के बाद हैमरेज और फिर शॉक की वजह से विकास दुबे की मौत हुई है। दरअसल 2 जुलाई की देर रात कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ था। इसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और इसके बाद पुलिस ने विकास के मामा प्रेम प्रकाश, अमर, प्रभात और बहुवन को मुठभेड़ में मार गिराया था। कई लोग गिरफ्तार किए गए। विकास कई दिनों तक पुलिस को छकाता रहा और फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में पकड़ा गया। उज्जैन से गिरफ्तारी के बाद कानपुर लाते वक्त भौती हाईवे पर पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे को एसटीएफ ने मार गिराया था। पुलिस ने कहा कि विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, जिसके बाद उसने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जवानों पर गोली चलाई और जवाबी फायरिंग में वो मार दिया गया। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी कुसुम ने की है। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।